लंच करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर चल रही ईडी जांच के विरोध में जिला कांग्रेस ने सोलन के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वो केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल सहित महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल भी उपस्थित रही। विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर रही है, प्रधानमंत्री ने सभी को अपने इशारे पर चलाया हुआ है। यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी कभी भी दी गई एजेंसीज का ठीक इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने आज ईडी को अपने काबू में किया है, उन्होंने यहाँ तक कि जुडिशियल सेटअप को अपने काबू में किया है, उन्होंने मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं आरबीआई तक को, मैं तो एक डिफेंस ऑफिसर रहा हूँ, मैं तो 3 युद्ध स्वयं लड़े हैं, कभी युद्ध के वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी भी मुसीबत हो आरबीआई को नहीं छुआ, उन्होंने आरबीआई को भी सारी जितनी हमारी संपत्तियाँ हैं वो बेच दी गई हैं। और इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहें, क्या ज़रूरत थी वहाँ पर सेंट्रल विस्टा की? मैं तो स्वयं 10 साल वहाँ पर रहा हूँ और 3 बाहर के खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हमें एड्रेस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारा बहुत अच्छा भवन बना है उसकी जगह कोई ज़रूरत ही नहीं थी सेंट्रल स्टॉक बनाने की, क्लियर वेस्टेज ऑफ मनी। तो मैं समझता हूँ मोदी से हम ये डिमांड करते हैं कि अभी भी उन्हें इस प्रकार की एजेंसीज़ को खासकर महिला पे और वो भी जो स्वस्थ लाभ ले रही उन पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार का उनका और भी तरीके हैं वो कोई भी नहीं, सब महंगाई आसमान छू रही, किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारे युवा वर्ग के लिए कितनी उल्टी उल्टी स्कीम्स उन्होंने लगा दी आप सभी जानते हैं। और आज हम यही डिमांड करते हैं मोदी जी से कि उन्हें ये जो केस जिसमें कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा केस पढ़ा स्वयं, 1 रुपए का भी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप कोई बिल्डिंग का किराया दे रहे हो और वहाँ पे आप कर्मचारी वर्ग काम कर रहे हो, उनका तनख्वाह नहीं देनी क्या? यही सब कुछ है उसमें, अगर उसमें कुछ और है तो मुझे बता दे, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद केस को बनाना है तो केस को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ तक कि हमारी जुडिशरी को भी अपने नीचे लिया है। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंछ की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।